हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जवान की तूफानी कमाई के साथ शाहरुख खान के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड। पठान और गदर 2 सहित इन 10 बड़ी फिल्मों को चटाई धूल। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत में रहते हैं और आप भी भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के पहले ही दिन इतिहास रच दिया है। फिल्म देश की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही शाहरुख खान के नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। शाहरुख खान स्टार फिल्म जवान सिनेमाघरों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म का ओपनिंग डे बेहद शानदार रहा था और इसने कमाई के मामले में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एडवांस बुकिंग के पहले दिन से ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रही जवान ने अपने ओपनिंग डे पर भी बम्पर कलेक्शन किया है और इस फिल्म ने पठान और गदर 2 सहित 10 फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने ट्विटर या एक्स पर जवान की पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा है, फिल्म का देश में पहले दिन का अर्ली एस्टीमेट 70 करोड़ रुपए से ऊपर और दुनिया भर में 120 करोड़ की कमाई की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की जवान ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन बुलेट से भी तेज स्पीड से कमाई कर पठान और गदर 2 सहित 10 फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। शाहरुख खान ने अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म से अपनी ही पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पठान ने ओपनिंग डे पर 57 करोड़ का कलेक्शन किया था। KGF चैप्टर 2 की पहले दिन की कमाई 53.95 करोड़ रुपए रही थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टार साल 2000 की हिट फिल्म वार का ओपनिंग डे का कलेक्शन 53.35 करोड़ रुपए रहा था। आमिर खान, कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन 52.25 करोड़ की कमाई की थी। शाहरुख खान स्टार फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने ओपनिंग डे पर 44.97 करोड़ का कलेक्शन किया था। शाहरुख खान की जवान ने सलमान खान की भारत के पहले दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। भारत ने ओपनिंग डे पर 42.30 करोड़ कमाए थे। प्रभास की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 ने पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया था। साल 2015 में आई सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने पहले दिन 40.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। सनी देओल और अमीषा पटेल की साल 2001 की सीक्वल फिल्म गदर 2 हाल ही में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन 40.10 करोड़ रुपए था। साल 2016 में आई फिल्म सुल्तान का ओपनिंग डे का कलेक्शन 36.54 करोड़ रुपए का रहा था। जवान की ओपनिंग डे की बम्पर कमाई के साथ किंग खान के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मनोबाला विजय बालन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शाहरुख खान पहले दिन 200 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाले बॉलीवुड के इकलौते एक्टर बन गए हैं। दरअसल जवान ने तो ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया ही है। वहीं इससे पहले किंग खान की पठान ने भी पहले दिन 100 करोड़ का कलेक्शन किया था।